हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आज इस रेसिपी को हम स्ट्रॉबेरी से बनाएंगे। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए शिशुओं के अच्छे पोषण के लिए स्ट्रॉबेरी काफी लाभदायक होती है। साथ ही दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 से 5 स्ट्रॉबेरी लेनी है। ये देखिए, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका ये जो ऊपर वाला साइड है, इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सभी स्ट्रॉबेरी का हम ऊपर वाला साइड निकाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका ऊपर वाला भाग हटा लिया है और एक बार हम इसे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है मैंने, और स्ट्रॉबेरीज को हम डाल देंगे बाउल में। और इसमें हम मिलाएंगे 1/2 से 1 ग्लास के लगभग पानी। और अब इसे ये देखिए अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब इसे हम थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट लेंगे। और सभी बेरीज को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के टेस्ट में काफ़ी पसंद आने वाली है। तो बेरीज को मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, और बेरीज को अब हम जार में डाल देंगे। और इस रेसिपी को आप 1 साल से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसे ग्राइंड करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी प्यूरी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, बनकर तैयार है आपके घर के बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी स्ट्रॉबेरी प्यूरी। और इस रेसिपी को आप दिन में 2 से 3 बार 3-3 चम्मच खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ये टेस्ट में भी पसंद आएगी और पचने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।